नमस्कार, नेक्स्ट लाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में भले ही एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी घाटा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर ली। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार वो कर दिखाया जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बता दूं, इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराया। वहीं बीएसपी पार्टी इस बार पूरी तरह से फेल नजर आई। और बात करेंगे दलितों के एक बड़े नेता की, चंद्रशेखर आजाद की, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा था और वो सीट थी नगीना सीट। और उस सीट पर भी उन्होंने भारी बहुमत के साथ, तकरीबन 1,50,000 वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज करी। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी, इन लोगों का इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन देखने को मिलेगा या फिर जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, इन सीटों पर गठबंधन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी एक बड़े दलित नेता को साधने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बार उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कुछ सीटें ऐसी थी जिस सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर सिर्फ इतना था, 10,000, 15,000, 20,000। मतलब अगर इन सीटों पर देखा जाए गठबंधन होता मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो समाजवादी पार्टी जीत आसानी से जीत दर्ज कर लेती और भारतीय जनता पार्टी शायद जीत दर्ज ना कर पाती। उदाहरण के तौर पर लेते हैं मेरठ सीट। मेरठ सीट पर अरुण गोविल की जीत हुई जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर था मात्र 11,000। ऐसे में अगर अखिलेश यादव का गठबंधन होता आजाद समाज पार्टी के साथ या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ यानी मायावती के साथ, तो कहीं ना कहीं जो 20 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी खोती नजर आई है वो सीटें खोती हुई नजर ना आती और आसानी के साथ जीत दर्ज कर ली। लेकिन अब शायद ही गलती अखिलेश यादव नहीं दोहराना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गठबंधन संभव है। मैं आपको बता दूं, इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं ये बात कल जाहिर भी हो गई थी। कल राहुल गांधी जी का जन्मदिन था और अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी थी और उस बधाई के ट्वीट में रिप्लाई में राहुल गांधी ने जवाब दिया कि इस बार यूपी के दो लड़के पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, हमारी जीत खटाखट होगी। तो ऐसे में उन्होंने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में एक साथ आ रही है, लेकिन अगर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में इस इंडिया गठबंधन में जुड़ जाती है तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।